हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 12, व्रत और उसके भाग। जी हाँ साथियों, व्रत व्रत के बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए, बचपन में हमने बहुत सारी साइकिल की रिंग देखी है, या एक धागा लेते हैं, धागे पे एक पत्थर बांध के हम यूँ घुमाते हैं, एक गोल गोल आकृति बनती है, वो आपकी व्रत का उदाहरण है। और आप जैसे कंचे खेलते हैं तो एक पैर को लेके यूँ रखे, पैर को यूँ घुमाते गोल गोल आकृति बनती है, वो भी आपका एक व्रत का उदाहरण है। जैसे रोटी है, रोटी एक चकती का उदाहरण है, चूड़ी है, वो आपके व्रत का उदाहरण है। उसी प्रकार अब हम कागज पे बात करते हैं कि व्रत होता क्या है। देखिए, क्या है, कोई भी एक निश्चित दूरी पर निश्चित बिंदु लेते हैं हम, जैसे निश्चित बिंदु लिया और इसके निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु को हम इस प्रकार से मिलाते जाएंगे। जैसे धागा बंधा, धागा यहाँ से पकड़ लेगा और धागा एकदम लंबा, इसको इस प्रकार से घुमाते हैं तो इस प्रकार से जो अपने पास एक आकृति बन के आती है वो अपने पास क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, वृत्त कहलाती है। और उसमें जो नियत बिंदु होता है, जहां पर जैसे अंगुली पे धागा घुमा रहे तो अंगुली नियत बिंदु हो गया, या यहाँ पे नियत बिंदु हो गया, इसको हम ओ से लिखते हैं और इसको केंद्र के नाम से जानते हैं। और ये नियत दूरी होती है, क्या है ये नियत दूरी, इसको हम त्रिज्या के द्वारा जानते हैं। क्या जानते हैं, त्रिज्या, जिसे हम आर से लिखते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या। और यही नियत दूरी अगर इस प्रकार से अपने पास है कि इस प्रकार से, तो ये इसका व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। व्यास अपने पास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, भी त्रिज्या होती है। जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास आपका 10 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आपका व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और त्रिज्या को हम आर के द्वारा लिखते हैं। इसी प्रकार अगर किसी तल में हम वृत्त बनाते हैं तो ये तीन भाग में विभाजित हो जाता है। देखिए, जैसे अपना पास क्या है, ये नियत बिंदु, ये तो हो गया अपने पास केंद्र हो गया, ठीक है ना। और इस अंदर वाला भाग ये है अभ्यंतर भाग। क्या है साथियों, अभ्यंतर यानी अंदर का भाग, ये है वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त का भाग कहते हैं, वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु कहते हैं। दूसरा है बहिर्भाग, तीसरा जो भाग हो गया आपके पास बहिर्भाग, यानी एक अभ्यंतर, एक वृत्त के ऊपर और तीसरा बहिर्भाग। अब जो केंद्र होता है आपका, हमेशा केंद्र जो होगा वृत्त के अंदर ही स्थित होता है। इसी पे अब हम चलते हैं, ये वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त की हमने। अब हम जो प्रश्न है आपके 12.1 में जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वो कहता है कि वृत्त का केंद्र वृत्त में स्थित होता है। अब देखिए, वृत्त का केंद्र कहाँ है, ये हमेशा वृत्त के अंदर ही स्थित होता है, इसको कहते हैं अभ्यंतर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अभ्यंतर। क्या लिखेंगे साथियों, अभ्यंतर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न अपना है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के यानी कि ये वृत्त का केंद्र है, जैसे ठीक है ना, ये वृत्त का केंद्र है इस, और ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या से अधिक कहीं पे बिंदु ये स्थित है, जैसे पी है, तो ये आपका यहां से यहां मिलाते हैं तो कहां पे आएगा, ये जाहिर है वृत्त से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, तो अधिक है तो अपने यहां पे क्या लिखेंगे, बहिर्भाग। क्या लिखेंगे साथियों, बहिर्भाग। तीसरा जो चीज एक और देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की खालिस्तान। अब जीवा क्या होती है, देखो एक जैसे मैंने वृत्त बनाया है, जैसे मैं यहां वृत्त बनाता हूं, ठीक है ना, ये बनाया है, और यहां पर देखिए जैसे कि एक रेखा मैंने इस प्रकार से खींची, तो इस रेखा को हम कहते हैं छेदन रेखा। क्या कहते हैं साथियों, छेदन रेखा। लेकिन रेखा इस प्रकार से हो जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, कितने साथियों, वृत्त को दो भाग में विभाजित करती है, वह जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा। आपका ये जो छोटा वाला भाग, इसको हम लघु वृत्त खंड कहते हैं, और ऊपर वाला भाग उसको दीर्घ वृत्त खंड के नाम से
जानते हैं, दीर्घ वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। जीवा जो है आपकी दो भागों में बराबर दो भागों में विभाजित कर सकती है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने पास आगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जीवा अगर आपके पास जैसे कि ये है, ये भी एक जीवा ही है। क्या है दोस्तों? ये जीवा है। और ये वृत्त की जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो व्यास है, क्या है आपका? व्यास। यहां क्या लिखेंगे आप? व्यास लिखेंगे। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। जैसे कि ये चाप लेते, चाप का मतलब कोई भी, ये जैसे आपका वृत्त बनाया हमने, ठीक है ना, यहां एक यहां भी, ये इसका केंद्र है, यहां से हमने इसको मिलाया, ओ है, ये आपका चाप ए बी। चाप ए बी को हम इस प्रकार से दर्शाते, ये है चाप ए बी, और इंग्लिश में इसको आर्क ए बी, आर्क ए बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका है। अब इसने कहता है कि एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे, यानी अगर व्यास के सिरे चाप, जैसे ये चाप है, चाप यहां ले ले, ये है, ये भी है, व्यास के सिरे हो गया है वो चाप आपका अर्धवृत्त। क्या होगा साथियों? अर्धवृत्त होगा। अब एक वृत्त जिस तल में स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? देखिए, ये वृत्त स्थित है, ठीक है ना, एक अभ्यंतर भाग हो गया, एक बहिर्भाग हो गया, एक वृत्त स्वयं हो गया, यानी कि अपने पास कुल कितने भाग है? एक, ये दो और ये तीन, यानी कि ये आपका तीन भागों में विभाजित हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है वो है सत्य असत्य, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। देखो पहला प्रश्न कहता है कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे देखिए आपका, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है दोस्तों, और ये इसका केंद्र है, और वृत्त के ऊपर जैसे ए बिंदु स्थित है, इसको हम मिलाते हैं, ये क्या होती है आपकी त्रिज्या है, इसलिए आपका जो ये क्या हो गया आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न आपका जो है कि एक वृत्त में समान लंबाई के चाप, समान जीवाएं होती है। तो ये अपने पास देखिए, आपके पास जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त बनाया हमने, जैसे कि ये चाप है आपके पास ए बी, और ये आपका केंद्र है, यहां से हमने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है ना, ये चाप जो आपके पास क्या है, समान है। ये चाप समान है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जीवाएं, क्या है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं हैं, तो आपके क्या हो गया, ये असत्य है। चाप तो है लेकिन ये जीवाएं नहीं हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न अपना जो है, यदि एक वृत्त को तीन बराबर पांच चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखिए जैसे कि ये आपका पास, आपके पास जैसे ये बना है आपका वृत्त है, इसको हम क्या कहते हैं, तीन बराबर भागों में बांटते हैं इस प्रकार से, ये तीन भाग है आपके पास, ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए, तीन चाप हो गए। अब तीनों ही क्या है, इसने कहा कि दीर्घ चाप, दीर्घ चाप हो नहीं सकता है, दीर्घ चाप तो कब होगा, जब इस प्रकार से ये आपका दीर्घ चाप लेगा ए बी और बी ए आपका लघु चाप, ये दीर्घ चाप, तो ये जो आपका जो है ये सभी आपके पास क्या है, लघु चाप के रूप में होते हैं। तो अपने पास ये तीसरा जो प्रश्न हो जाएगा वो असत्य। ठीक है दोस्तों, चौथा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है, ठीक है ना, वो वृत्त का व्यास है। जैसे बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंपटीशन में भी बहुत आता है, टेंथ क्लास में भी है अपने पास, ये जैसे वृत्त है, जैसे जीवा है जो केंद्र से गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, केंद्र से गुजर रही है, केंद्र है ये ए और बी है, तो ये आपके पास से केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होती है, व्यास ही होती है, ये आपके पास क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, वृत्त एक समतलीय
आकृति है। वृत्त क्या है? एक समतली आकृति, जैसे कि अपन वृत्त बनाते हैं यहाँ पे एक, ये देखिए इस प्रकार से क्या है, समतल पर बनती है। अब इसलिए अपने पास क्या हो गई, ये आपकी एक समतलीय आकृति हो गई। इसको हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर आपका सत्य लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न अगला है कि एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं व्यास कहलाता है। जैसे ये आपका ये वृत्त है, ये अचर बिंदु है। क्या है? अचर बिंदु, यानी निश्चित, और इससे निश्चित दूरी पर ये आपके सारे ये बिंदु बने हुए हैं, इससे अपने पास वृत्त बन गया। तो ये आपके पास जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या कहलाती है। लेकिन इसने क्या कहा? व्यास है। तो क्या हो गया? ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब उसका अपना यह है वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है वृत्त का, त्रिज्या की, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो अपने पास देखिए, जैसे ये है आपका, जैसे मैंने सबसे बड़ी जीवा इस प्रकार से खींच ली, ठीक है ना, आपकी ए है और ये बी है, ये जीवा होगी। जीवा क्या करती है? वृत्त, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, या दो भागों में बांटती है। अगर बीचों बीच है दो बराबर भाग होंगे, या केवल दो अलग अलग भाग भी हो सकते हैं। ये भाग है अपने पास, तो ये क्या है आपका, ये तो अपने पास ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास है। तो ये यहाँ पे क्या, अगर यहाँ लिखा होता है कि वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है व्यास लिखते तो हम कहते सत्य, लेकिन यहाँ त्रिज्या लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है, समझ में आया है, तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक पर है तो हमें फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।